चलो फोकस करो, आत्म प्रसार गुणांक, ठीक है। कौन सा आत्म प्रसार गुणांक है? गैसों का आत्म प्रसार गुणांक, ठीक है। ठोसों में भी आत्म प्रसार गुणांक होता है। इलेक्ट्रॉन में तीन प्रॉपर्टी होती है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आत्म प्रसार गुणांक, ठीक है। लेकिन क्या होता है, गैस में हम लोग रेखीय प्रसार को नहीं दर्शा सकते। क्यों नहीं दर्शा सकते? रेखीय प्रसार का मतलब क्या होता है, लंबाई में प्रसार होना, वृद्धि होना। गैस की कोई लंबाई होती है क्या? नहीं होती। इस वजह से गैसों में रेखीय प्रसार गुणांक नहीं होता है बेटा। दूसरा होता है ठोसों में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है। गैस का कोई क्षेत्रफल भी नहीं होता है, जैसे कि ये बेंच है इसका क्षेत्रफल आप दिखा सकते हो, गैस का क्षेत्रफल नहीं दिखा सकते, इसलिए उसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी नहीं पाया जाता। लेकिन हाँ, गैस का आयतन होता है, जैसे ठोसों में आयतन होता है ना, सेम गैस में भी आयतन होता है। एक गुब्बारे में गैस भर दो तो आप उसका आयतन बता सकते हो कि इतना क्यूबिक गैस भरा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक गैस में आयतन होता है, इसलिए इसका आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गैसों के आयतन प्रसार गुणांक के बारे में। क्या होता है, यहाँ पर इसकी सिंपल सा डेफिनेशन है, नियत दाब पर किसी गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट जो प्रेशर होता है, नियत दाब होता है, उसमें गैस के ताप को कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके एकांक आयतन में जो वृद्धि होती है उसे उस गैस का क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब कोई नियत दाब है तो गैस के ताप को कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की वजह से उसके आयतन में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक बोलेंगे। ये है इसका डेफिनेशन। सब में ऐसी है सिंपल, याद रखना, आयतन प्रसार गुणांक बोलो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलो, रेखीय प्रसार गुणांक बोलो, सभी में एक चीज कॉमन है, सभी के ताप को आपको कितना बढ़ाना है, 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। और जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा उसका, अगर रेखीय प्रसार गुणांक है तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक है तो आयतन प्रसार, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, सब में कॉमन है, देखियो, ठीक है। चलो नीचे, मान लो किसी आदर्श गैस का प्रारंभिक आयतन कितना है, V है, उसके ताप में डेल्टी वृद्धि करने पर उसके आयतन में भी डेल्टी वृद्धि हो जाती है। कोई गैस का उसका प्रारंभिक आयतन कितना था, V था। अब सीधी सी बात है, अगर उस गैस का हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, डेल्टी बढ़ा रहे हैं, तो फिर ताप बढ़ाओगे, किसी भी कोई भी गैस होता है उसको गर्म करोगे तो गैस क्या करता है, गर्म होने की वजह से फैलने का प्रयास करता है, मतलब उसके आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वही है, डेल्टी वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती है बेटा, डेल्टी वृद्धि हो जाती है। पहले आयतन V था, कितना हो गया, डेल्टी हो गया, ठीक है। तब क्या होता है, आप आज जानते हो आयतन प्रसार गुणांक इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, गामा इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टी अपॉन V डॉट डेल्टी, ठीक है। एक बात जानते हो आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। डेल्टी क्या होता है आपका, आयतन में परिवर्तन अपॉन, ये यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि या फिर ताप में परिवर्तन। पढ़े होंगे कल की डेट में, पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब चीजें याद रहेंगी, पढ़ने में आसान लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण, आप लोग आदर्श गैस समीकरण पढ़े होंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जाके देखोगे तब भी लिखवा होंगे, PV इक्वल टू कितना होता है, NRT, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण यही कहता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू कितना होता है, NRT। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नियत दाब पर ताप बढ़ाने से आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नियत दाब मतलब एक निश्चित प्रेशर है, उसमें आप उसमें क्या करते हैं, हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं, तो उसका आयतन भी क्या होता है, आयतन में भी वृद्धि होती है, ठीक है। कोई भी गुब्बारा है उसको आप गर्म करोगे, उसमें एक निश्चित प्रेशर में क्या होता है, हवा भरा गया है, अगर गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, हल्का सा एक्सपांशन होता है। तो वहीं पर बोला गया है, दाब बढ़ाने से, नियत दाब पर ताप बढ़ाने से आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नियत दाब ताप को बढ़ाया गया तो आयतन भी क्या हो गया, हल्का से बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ा, देखो किसको बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, NRT था, ठीक है। ताप कितना बढ़ा, N या इन दोनों को बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया, क्या बढ़ाया गया बोला गया यहाँ पर, ताप। तो ताप में कितना वृद्धि की, डेल्टी। तो ताप में डेल्टी वृद्धि करने से क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। यहाँ पर वही चीज में चेंजेस हुआ, इधर PV दिखा था, PV की जगह यहाँ पर क्या लिखी है, प्रेशर वही है, डेल्टी क्या हो गया आपका, आयतन बढ़ा। यहाँ पर नियत दाब बोला गया है, नियत दाब का मतलब दाब को नहीं बढ़ाना है, दाब उतने को उतना है। तो यहाँ पर दाब को देखो, यहाँ पर पी था ना दाब, यहाँ भी क्या है, PV है, पी है कि नहीं है, ठीक है। तो वही बेटा दाब नियत है, नियत दाब पर ताप बढ़ाने से किसको बढ़ाया गया, अगर ताप को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर ताप में चेंजेस होगा, तो ताप में चेंजेस होगा, यहाँ पर ताप की था ना, अब चेंजेस कितना हो गया, डेल्टी, हुआ कि नहीं हुआ। तो नियत दाब
ताप पर ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ जाता है, तो नियत ताप पर क्या बढ़े, ताप बढ़ाया तो आयतन बढ़ा, ठीक है, मतलब दोनों के दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। यहाँ पर अगर ये ताप कितना बढ़ गया, डेल्टा हो गया, तो आयतन भी कितना हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा। तो वही लिखा गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या था, पी वी इक्वल टू एन आर वी, सेकंड क्या हो गया, पी डेल वी इक्वल टू एन आर डेल, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर नीचे लिखोगे आप लोग समीकरण एक और दो से, मतलब कि समीकरण दो को एक से भाग देंगे। समीकरण दो कौन सा है, ये है, और समीकरण एक ये है, तो दो को रखो ऊपर में और एक को नीचे में, दो को पूरे यहाँ पे रख दो, इसी चीज उतार दी ऊपर और एक को दिख गया, और नीचे एक को भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये दो वाला लिखे उसके नीचे में एक नंबर का समीकरण, ये देखो, ठीक है, तो क्या हो गया, पी डेल वी अपॉन पी डेल वी अपॉन पी वी हो गया, इसी को एन आर डेल टी अपॉन एन आर टी हो गया ना। अब जो करता है काट, कौन कौन सा चीज कटेगा, पी पी डेल वी से भी कटेगा, नहीं करता, डेल वी एक साथ है, वी अलग है, ठीक है, यहाँ पर देखो कौन कौन सा कटेगा, एन कटेगा, आर कटेगा, ठीक है, डेल वी और टी कटेगा, नहीं कटेगा, तो जो जो बच गया उसको इसे डिस रहने दो। क्या क्या बचे यहाँ पे, डेल वी अपॉन वी बचा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर टी बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, डेल टी बचा है, यहाँ पे डेल टी किधर है, ऊपर में है ना, अगर इसको मैं ऐसे यहाँ पे था डेल टी, ध्यान दो यहाँ पे था कि नहीं, डेल्टा यहाँ था, इसको ट्रांसफर करके यहाँ ले आया मैं, इधर ऊपर में था मतलब इधर गुणा में था, इधर अभी किस में हो गया, भाग में, ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पर क्या बच गया, अगर डेल्टा को इधर ट्रांसफर कर दिया नीचे, यहाँ पर कितना हो गया, डेल्टा अपॉन नीचे में पी था, उसके साथ क्या हो गया, डेल्टा आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वन अपॉन टी बचा ना, वन अपॉन टी यहाँ पर लिखते बेटा वन अपॉन टी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। किंतु आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक किससे दर्शाते हैं आप लोग, गामा से, गामा इज़ इक्वल टू कितना होता है, डेल वी अपॉन वी डॉट डेल वी, ये इक्वेशन में स्टार्ट में बताया था कहाँ पे, ये देख रहे हैं होता है ना, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन उठा के देखो, ये आपको गामा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट गामा को इक्वल टू हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट उठा के क्या कर दो, इतना जानते हो गामा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर चार। समीकरण तीन व चार से, तो समीकरण तीन में जो दिख रहा है, जो वैल्यू दिख रहा है इसमें, इसके जगह क्या पर तुम कर दो, आप गामा पुट कर दो, तो गामा इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना इज़ इक्वल टू गामा हो गया ना, तो गामा इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 180 हुआ ना, तो वही है। तो आप गामा क्या है आपका, आयतन प्रसार गुणांक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो नियत दाब का मतलब एक आपके आदर्श गैस का आयतन प्रसार गुणांक उसके ताप के वितरण के बराबर होता है, यही लिखा है इसके ऊपर, स्पष्ट है कि किसी आदर्श गैस का आयतन प्रसार गुणांक उसके ताप के वितरण के बराबर होता है। डायरेक्ट यहाँ पर ये आयतन प्रसार गुणांक है, ये ताप का क्या है, विक्रम है, विक्रम का मतलब समझते हो एक बटे, ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है किसी भी गैस आदर्श गैस का आयतन प्रसार गुणांक उसके ताप के वितरण के बराबर होता है, ठीक है, यहीं से आपको ये जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है यहीं से मिल रहा है, बस लिखने आना चाहिए। हाँ ऐसा भी पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछ, बिल्कुल पूछा जा सकता है, यहाँ पर बोला जा सकता है स्पष्ट, यहाँ पर स्पष्ट है कि जगह लिख दिया जाएगा, स्पष्ट कीजिए कि किसी आदर्श गैस का आयतन प्रसार गुणांक उसके ताप के वितरण के बराबर होता है, बिल्कुल ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखना चाहो तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी ले सकते हो, ऐसा भी पूछा जाता है, सही से मतलब जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो एकदम डिटेल में ऐसा क्वेश्चन नहीं बता सकते, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, आप कंडीशन क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको डेरिवेशन किसके लिए करना है, ठीक है, चाहो तो ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हो, चलो लिखवा दो क्या, नीचे भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिख लो, लिख ले लो, बाद में कोई दिक्कत ना, हाँ पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा आपको किसी के लिए।